हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सन की मीरू ब्लॉग। तो आज हम लोग का ब्लॉग होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं घर से। ये मेरा घर है, इधर देखिए, ये मेरा घर है। हम लोग घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा बाइक है। हम लोग जाने वाले हैं रघुनाथपुर अपने दीदी घर, मेरा दीदी का ससुराल। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए रास्ता से लेके पूरा वहाँ तक जहाँ तक हमारा दीदी का ससुराल है, वहाँ तक फुल कवरेज होगा। आप बने रहिए वीडियो में, थैंक यू। आगे देखते हैं। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में आज हम हैं और मेरी बहन भी है इधर में, अनीता, ठीक है। और इधर मेरा बाइक है FZ, YMAHA FZ। तो हम लोग निकल रहे हैं अब, ठीक है, रास्ता में आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर जाते हैं, रास्ते में देखते हैं, ठीक है। व्यू दिखा रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं रघुनाथपुर की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल में सन की मीरू ब्लॉग। रोड पे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप मुझे कुछ ड्राइविंग करने दीजिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा ना भाई, ठीक है। अभी हमारे पास इतना इक्विपमेंट है नहीं भाई कि फोटो व्लॉगिंग करने के लिए मेरे हेलमेट में या कुछ में एक्सेसरीज यूज करूं। तो देखूंगा धीरे 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 धीरे, वो भी कर दूंगा और वो भी बनाऊंगा, फोटो व्लॉगिंग यूज करूंगा मैं। लेकिन मेन बात है कि मेरे पास एक्सेसरीज नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहे, ब्लॉग को देखते रहे। देख रहे हैं ये दुया जोड़ी वाला रोड, ये जो दुमका जोड़ती है दुमका जिले को, ये रोड में काफी तीखा मोड़ वगैरह है। तो कभी भी कोई भी अगर राइडर या बाइकर, हमारे बाइकर भाई साहब सब चलाए इस रोड में, ध्यान से चलाए और रात के वक्त स्पेशली थोड़ा सतर्क रहे और अपने निगाहें खोले रखें। और हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव बाय ना करें, नहीं तो वो ऊपर में आपको ना बार मिलेगा कोई, आपको वाइन शॉप मिलेगा। कुछ ही दूर में रिजॉर्ट भी है, आप लोग बने रहिए, आप
रिजॉर्ट का मैं एक झलक दिखा दूंगा, एक झलक आप देख लीजिए रिजॉर्ट को, बाहरी झलक। ये देखिए राइट साइड जाते हैं अंदर के तरफ, दिखाइए राइट साइड। ये देखिए ये है हमारा रिजॉर्ट, संजीवनी रिजॉर्ट, होटल एंड रिजॉर्ट। खत्म हो रही है, पास जाकर रंगनाथपुर आपको तो फोर्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये रंगनाथपुर का मंदिर है इधर में, राइट साइड में हमारा स्कूल है इधर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रंगनाथपुर। अरे इसका पेट्रोल चला गया है रिजर्व में, पेट्रोल रिजर्व में चला गया, बहुत दिक्कत है भाई, हमारे टैंक में अभी भी बहुत पर्याप्त पेट्रोल है आगे का सफर कैरी करने के लिए। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब रंगनाथपुर, और हम लोग घुसने वाले हैं, ये जो आप छोटा सा रोड देख रहे हैं ना, बस यही घुसेंगे हम लोग। ये है आपका अटगार टोला की तरफ जाता हुआ रास्ता, जीटी रोड, ऐसा रोड आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग बने रहिए, ऐसा रोड देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ हम लोग देखे ऐसा रोड। ये देखिए अप्स एंड डाउन्स है, ऊंच नीच है बहुत रोड में। हमारे झारखंड में एक से एक कलाकार है, ठेकेदार है रोड बनाने वाले, ये देखिए। और यहाँ के मुखिया भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रोड वोड बनवाया है, इतना शानदार रोड, जीटी रोड, मजे लीजिए हमारे साथ। ये जो एनएच देख रहे हैं आप लोग ना, ये डायरेक्ट जोड़ता है मेरे दीदी के ससुराल को, नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे है मेरे दीदी के ससुराल का घर की तरफ जाने वाला। अरे ये हम लोग घुस चुके हैं अटगार टोला, वीडियो में आप बने हुए हैं, हमें अच्छा लग रहा है और आप देख भी रहे हैं, ठीक है, इसी तरह बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए हमारा ये व्लॉग, ये मोटो व्लॉगिंग हमारे त्योडी गांव से लेकर के रघुनाथपुर तक, अटगार टोला तक। ये हम लोग जंगल में घुस रहे हैं भाई, ये हम लोग आ रहे हैं दीदी घर की ओर जा रहे हैं, इसलिए इन से जंगल घुस रहे हैं, रास्ता ही वैसा है, क्या बताएं आप लोग, बस आप लोग बने रहिए। और ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ये है मेरा दीदी घर इधर, ठीक है, गाड़ी हम लोग बाहर नहीं खड़े करेंगे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं वहां पे जहां हम लोग को पहुंचना था, ये देखिए इधर, इधर पे मेरा बाइक है, इधर पे मैं हूँ, और इधर पे मेरी बहन है, इधर पे हमारा डॉगी है यहाँ का, ठीक है चले तब अंदर घुसते हैं अब, ठीक है बने रहिए आप लोग। तो ये हम घुस चुके हैं मेरा दीदी के घर, और ये देखिए ये लोग घर पे भी कर क्या रहे हैं, देखिए इन लोग को देखिए, बाप रे बाप, इधर बहुत काम हो रहा है, इधर देखिए मेरी दीदी है, इधर देखिए, इधर कैसे रखी है, देखिए लाइन करके इधर रखी है, क्लीन करने के जैसे साफ की है। हाँ देखिए इधर,
बेच रही है इधर बेच रही है देख कितनी खुश है चेनुष्का वही सब चुन चुन के रखी है वो चेनुष्का अनुषा का कौन कुदो अनुषा का कुआ अरे अरे प्रूम सा का कुरे इधर भी है पूरा अभी काम चल रहा है इधर मेरे जीजाजी है मछली काफी उन्होंने पकड़ा हुआ है ये देखिए बहुत सारे मछली है दिखाइए ना मछली वगैरह दिखाइए हमारे सब्सक्राइबर लोग को मछली दिखाइए ये देखिए मछली देखिए आप लोग इधर कटा हुआ है इधर कटा हुआ मछली भी है आपका इधर देखिए इधर काफी मछली है इधर में हमारे साथ बस ब्लॉग में बने रहिए आप लोग को और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा ठीक है और हमारे वीडियो को आप देखते रहे अनुष्का ए अनुष्का अरे बंद बंद उड़ो उड़ो अरे दे 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 बंद बंद मेरे इधर है मेरा दीदी का घर और हम लोग यहां बैठे हुए हैं ये इधर मेरी दीदी है इधर मेरे बहन है इधर देखिए हम लोग का संथाली ट्रेडिशन में ऐसे लोटा दिया जाता है ठीक है वेलकम करने के लिए गेस्ट लोग को और इनके बाद हमारा जैसे कि मान ले कोई बड़े हैं हमारे तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं या छोटे हैं तो उनका उनको हम वे हमें प्रणाम करते हैं देखते रहिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में सनकी मीरू ब्लॉग में ठीक आगे भी है वीडियो देखते रहिए बात करते हैं दीदी से तो दीदी हम लोग आए हैं दूर से तो क्या क्या बनाई है हम लोग के लिए बताओ हम लोग का सब्सक्राइबर लोग को छोटा वाला मछली और लंबा लंबा जो मछली है उसको बिना काटे मतलब पेड़ सब निकाल लिए हैं तो बिना काटे लंबा लंबा फ्राई होगा बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में भी और खाने में भी इसलिए आप लोग भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग को भी मछली मिलेगा हाँ ठीक है तो अभी तो हम लोग पहुँच गए दीदी घर तो अब कुछ लोग से आपको मिलाते हैं ये देखिए ये भी मेरे सब्सक्राइबर है हाय हेलो बोल दीजिए हमारे चैनल को हाँ अनुष्का अचल का मिला बड़ा मैं बड़ा गया अरे हम लोग अब जा रहे हैं इधर में हम लोग का रोको यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में रोको को झुनुक क्या जो पता नहीं क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं लेकिन देखिए हाँ झुनुक का पकौड़े इधर देखिए इधर पूरा साफ सफाई हो रहा है देखिए देखिए हम लोग निकाल रहे हैं हाँ निकाल रहे हैं हाँ तो वही निकाल रहे हैं निकालने के बाद साफ सफाई होगा धुलाई होगा तो इधर देख रहे हैं एक डेक्ची है धूप बहुत दे रहा है और अब हम लोग लौट रहे हैं घर की ओर तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में रास्ता तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा इस बार क्योंकि धूप बहुत है और हम लोग जल्दी घर जाना है और हेलमेट में लाया नहीं हूँ तो ऐसे काम चला लूंगा देख रहे हैं ऐसे काम चला लूंगा देखिए धूप भी दिखा दो कितना धूप दे रहा है तो अब हम लोग निकलने वाले हैं तो रास्ता तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं नहीं दिखा पाऊँगा उसके लिए सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बिना रास्ता के मैं बना रहा हूँ अभी रास्ता तो नहीं दिखाऊंगा आपको जाते वक्त आपको कुछ दिखा देता हूँ सामने से ये है वो गांव वो टोला हटगार टोला ठीक है इधर देखिए इधर घर सब है ठीक है इधर हम लोग का दीदी लोग घर है इधर से घुसता है ठीक है ये सामने भी है इधर भी है उधर सामने उधर से घुसता है वो भी है इधर दीदी है इधर अनूप है ठीक है फिर बने रहिए वीडियो में हमारा ठीक है मैंने आपको दिखाया नहीं कि हम लोग रास्ते से कैसे आए नहीं आए वो जो आपका सिटी रोड था तो हम लोग गांव घुस चुके हैं तो गांव से आपको कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ से घर तक गाँव के अंदर है हम लोग ये हम लोग बीच कुल ही में है अगर गांव की भाषा में बोला जाए तो चलिए फिर देखते रहिए बने रहिए हमारे साथ घर तक यहाँ से घर तक उधर से मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि वो यहाँ धूप था और ऊपर हमारे पास हेलमेट नहीं है मेरे पास गोगल्स नहीं लाया हूँ मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ तो धूप बहुत ज़्यादा दे रहा था इसीलिए करके नहीं बन पाया उधर वीडियो इधर शॉर्ट सा वीडियो बना रहा हूँ गाँव से हमारे घर तक ठीक है और वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और देखिए इधर लोग होली करने के लिए आ गए लेकिन बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि होली वोली ना करें हमें अभी
मौज मस्ती है। खर्चा में खर्चा क्या खर्चा क्या लगा ना की जैसे कि नहीं देखे हटगुर तरफ से गए हटगुर में थकना उसरा बोले जो तुमका ना खर्चा मांग रहे ना बोरे नहीं लेंगे तो खर्चा मांग रहे कहाँ भागेंगे चाबी की चलते हम भाग जाएंगे चाबी की चल इधर देखिए हमारा गांव है बहुत हैप्पी टाइप का इधर हो रहा है होली हो रहा है देखिए हमारे साथ बने रहे जुड़े रहिए आपको इंटरेस्टिंग और वीडियो दिखाते रहेंगे। इधर देखिए गांव है हम लोग का बहा पर्व है ना तो वही बहा पर्व के संबंध में हो रहा है। इधर देखिए इधर बहुत सारे हमारे गांव के मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हैं इधर मेरे भाई सब है सब देखिए सबको ठीक है हम लोग आगे चलते हैं ठीक है वीडियो में बने रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। अरे नहीं भाई इधर नहीं खेलेंगे क्योंकि हम लोग दूर से आ रहे हैं ना थक गए पूरा आते आते तो खेल लेते इधर खाली गाँव आते तो खेल लेते ठीक है। तो आकाश पार्टी वार्टी करना हम तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ठीक है चलिए फिर हम जुड़ चुके हैं फिर से हमारा ब्लॉग में संजीव मेरे ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ और ब्लॉग देखते रहिए। ब्लॉग बन रहा है देखते रहना कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं जैसा आप लोग मैंने दिखाया था पिछला ब्लॉग में ये वही मेडिकल स्टोर है सुरक्षा ड्रग स्टोर इसका नाम है और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपना तिहड़ी चौक तो चलिए फिर जाते हैं आपको दिखाते रहेंगे आपको बने रहिए आप हमारा ब्लॉग में देखो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर सामने मेरा घर है ये देखो मेरा घर है ये गली है गली गली से हम घुस रहे हैं हमारा एक घर का गली है और ये पहुंच गए हम लोग अपना पिछला गेट ये देखिए हमारा पिछला गेट ठीक है तो बने रहिए और लास्ट में घर पहुंच गए हैं गाड़ी भी रख दिया है मैंने उधर मेरा गाड़ी है वो बिहार जमाने की गाड़ी है पप्पा का था वो तो अब मैं चलाता हूँ ठीक है। तो जरूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हाँ भाई सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे मजा कैसे आएगा बनाने में ब्लॉग तो इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह मैं लाते रहूँगा ठीक है फिर चले बाय ठीक है थैंक यू ठीक है।